नमस्कार, मैं हूं प्रिया। धड़ाधड़ 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश की अब तक की प्रमुख खबरों को। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव के तेवर नरम पड़ने का नाम नहीं ले रहे हैं। इसी बीच तेज प्रताप यादव के एक और कदम ने राजद की मुश्किलें बढ़ा दी है। तेज प्रताप यादव की तरफ से कहा गया है कि राजद नेता कुशेश्वर स्थान में कांग्रेस प्रत्याशी के लिए प्रचार करेंगे, जबकि दूसरे जगह पर वो राजद प्रत्याशी के लिए प्रचार करेंगे। न्यूज एजेंसी ANI के मुताबिक CSK मैनेजमेंट ने धोनी को रिटेन करने की पुष्टि कर दी है। ANI से बात करते हुए CSK के एक अधिकारी ने कहा है कि पहले रिटेंशन कार्ड का इस्तेमाल कप्तान को रिटेन करने के लिए किया जाएगा, ये एक फैक्ट है। रिटेन कोई ऐसी चीज नहीं है जिसके बारे में हम नहीं जानते हैं। धोनी के मामले में ये कोई महत्व नहीं रखता है। उनके केस में वो सेकेंडरी चीज होगी, क्योंकि उनके लिए पहला रिटेंशन कार्ड इस्तेमाल किया जाएगा। बिहार में होने जा रहे विधानसभा उपचुनाव के जंग में जीत के लिए तमाम पार्टियां अपनी रणनीति को जमीनी रूप देना शुरू कर चुकी है। दिल्ली से पटना पहुंचते ही नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव उपचुनाव को लेकर रणनीति का ऐलान कर चुके हैं। अब केंद्रीय मंत्री और जदयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष RCP सिंह ने भी कुशेश्वर स्थान सीट के लिए अपने चुनावी कार्यक्रम का ऐलान कर दिया है और जदयू की जीत सुनिश्चित करने का दावा किया है। देश भर में एक सरकारी कार्यक्रम के तहत पेयजल के 13 लाख से अधिक नमूनों की जांच में 1.1 लाख से अधिक नमूने अशुद्ध पाए गए हैं। ये नमूने सरकार के पेयजल जांच और निगरानी कार्यक्रम के तहत लिए गए थे। आधिकारिक आंकड़ों में ये जानकारी दी गई है। बिहार के नवादा जिले के उग्रवाद प्रभावित रजौली प्रखंड क्षेत्र के चित्तरकोली पंचायत के जंगलों में 3 दिनों से हाथियों का एक झुंड झारखंड के जंगल से भटक कर आया हुआ है। खाने की तलाश में हाथियों का झुंड दर्जनों घर, खेत और पेड़ पौधे को काफी क्षति पहुंचा रहा है। लोग भय और अनहोनी की आशंका से रात में जाकर गुजार रहे हैं। प्रदूषण पर लगाम के लिए राज्यों ने कमर कस ली है। इस दिवाली पर पटाखों से होने वाले प्रदूषण पर रोक के लिए कुछ राज्यों में पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध है, तो कहीं सिर्फ ग्रीन पटाखों को अनुमति दी गई है। कुछ प्रदेशों ने आतिशबाजी के लिए समय सीमा भी तय कर दी है। लालू प्रसाद यादव ने प्रचार में आने का फैसला टाल दिया है। राबड़ी देवी ने इसकी वजह लालू की खराब तबीयत को बताया है, लेकिन अंदरूनी सूत्रों का कहना है कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की महत्ता में लालू प्रसाद यादव किसी की हिस्सेदारी नहीं चाहते हैं। यही कारण है कि वो बिहार नहीं आ रहे हैं। अगर आपको भी ऐसा कोई व्हाट्सएप मैसेज आया है जिसमें यह दावा किया जा रहा है कि मोदी सरकार सभी बेरोजगारों को हर महीने 3500 रुपए दे रही है, तो सावधान हो जाइए, क्योंकि ये फर्जी खबर है। शायद इस खबर के जरिए कोई आपसे फ्रॉड करने की कोशिश कर रहा है। ये व्हाट्सएप मैसेज लगातार वायरल हो रहा है, जिसके बाद PIB फैक्ट चेक की टीम ने ट्वीट कर इस दावे को फर्जी बताया है। बांका बाराहाटी पड़घरी के युवक अरविंद कुमार शाह के आतंकी हमले में जान जाने के बाद जम्मू कश्मीर के गवर्नर ने 11.25 लाख रुपए मुआवजे की घोषणा की है। स्वजनों को यह राशि आवश्यक कागजी प्रक्रिया पूरे करने के बाद मिल जाएगी। साथ ही बिहार सरकार ने भी तत्काल सहायता के तौर पर 2 लाख रुपए देने की घोषणा की है। टाटा ने एक महीने बाद पंच कार से पर्दा उठाया था, जो इस समय काफी चर्चा में है। अब एक बार फिर चर्चा में आ गई है। दरअसल टाटा पंच कंपनी की 3री SUV कार बन गई है, जिसने टेस्टिंग रेटिंग में 5 स्टार हासिल की है। इतना ही नहीं, चाइल्ड सेफ्टी के मामले में भी कंपनी ने 4 स्टार रेटिंग हासिल की है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी की वाराणसी रैली का एक वीडियो शेयर करने के मामले में भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा की मुश्किलें बढ़ सकती है। दरअसल कांग्रेस ने इस मामले में प्रयागराज में ही एक तहरीर दे दी है, जिसमें कहा गया है कि धार्मिक उन्माद फैलाने के उद्देश्य से यह वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया गया है। युजवेंद्र चहल को भारत की T20 विश्व कप के स्क्वाड में शामिल नहीं करना काफी हैरान करने वाला फैसला है, जिसको लेकर कप्तान विराट कोहली ने विश्व कप शुरू होने से ठीक एक दिन पहले युजवेंद्र चहल को टीम में शामिल नहीं करने की वजह बताई है, जिसमें उन्होंने इसके लिए UAE की पिचों का व्यवहार बड़ा कारण माना है। मौसम का मिजाज एक बार फिर बदलने वाला है। मौसम विभाग की माने तो दिल्ली सहित कई राज्यों में बारिश होने की संभावना है। IMD के मुताबिक उत्तर प्रदेश, दिल्ली, ओडिशा समेत दक्षिण भारत के कुछ राज्यों में आज बारिश का पूर्वानुमान जारी किया गया है। वहीं केरल बारिश की वजह से जनजीवन बेहाल है। केरल में 20 अक्टूबर तक बारिश का सिलसिला जारी रहने की संभावना है। IMD के मुताबिक कई स्थानों पर बारिश फिलहाल देखने को मिलने वाली है। चीन ने हाइपरसोनिक मिसाइल के साथ एक नई अंतरिक्ष क्षमता को विकसित किया है। एक रिपोर्ट में कहा गया है कि बीजिंग ने अगस्त में एक परमाणु सक्षम मिसाइल लॉन्च किया है, जो अपने लक्ष्य की तरफ उतरने से पहले पृथ्वी की निचली कक्षा के चक्कर लगा सकती है। जानकार सूत्रों ने बताया है कि हाइपरसोनिक गाइड वाहन को लॉन्च मार्च रॉकेट द्वारा ले जाया गया था। उत्तर प्रदेश 2022 विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी को एक बड़ा झटका लग सकता है। दरअसल कानपुर के मेहरबान सिंह का पूर्वा में बनी चौधरी हरमोहन सिंह की कोठी सपा का गढ़ रही है। चुनावी तैयारी से लेकर सरकार गठन तक की प्रक्रिया इसी कोठी से होकर निकलती है, लेकिन अब इस कोठी के ऊपर भाजपा ने अपना किला फतेह करने की पूरी तैयारी कर ली है।
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत द्वारा विजयादशमी समारोह में हिंदुत्व को लेकर दिए गए बयान पर राजनीति तेज हो गई है। शिवसेना प्रमुख और महाराष्ट्र मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने तो इस पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। AIMIM के नेता सुबुद्दीन अवैसी भी बीच में कूद पड़े हैं। ऐसे में आने वाले विधानसभा चुनाव में मुद्दा तुल पकड़ सकता है। 52 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 60 लाख पेंशनर्स के लिए अच्छी खबर है। दिवाली से पहले केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स की झोली भरने वाली है। केंद्र सरकार एरियर और डीए में फिर से बढ़ोतरी समेत कई मांग केंद्र कर्मचारी मान सकती है। दरअसल केंद्रीय कर्मचारियों को 18 महीने के बकाए एरियर और डीए में फिर से 3% की बढ़ोतरी का इंतजार है। आने वाले दिन में इनके डीए में 3% का इजाफा हो सकता है। अमेरिका कोरोना वायरस की वजह से लगाए गए प्रतिबंध के बाद अब फिर से विदेशी नागरिकों के लिए अपने द्वार खोलने जा रहा है। अमेरिका ने विदेशी नागरिकों के प्रवेश के लिए नई नीति घोषित की है जो 8 नवंबर से लागू होगी। इसके तहत अमेरिका में कोरोना वैक्सीन की दोनों खुराक ले चुके लोगों को प्रवेश मिलेगा। चीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश के बाद अब हिंदू बहुल देश नेपाल भी भारत को परेशान करने में लग गया है। एक बार फिर भारतीय सीमा में नेपाल का विमान दाखिल हुआ है। हालांकि इस घटना के बाद से ही सशस्त्र सीमा बल समेत भारतीय सुरक्षा बल एजेंसियां अलर्ट पर हैं। नेपाल से सटे बिहार के महाराजगंज जिले के सोनौली कस्बे के ऊपर नेपाल का विमान काफी देर तक उड़ता रहा। सिंघू बॉर्डर पर पंजाब के शख्स की हत्या मामले में भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने 24 घंटे के बाद अपनी चुप्पी तोड़ी है। उन्होंने घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि जो हुआ गलत हुआ। 5 घंटे के अंदर आरोपी को पकड़ लिया गया है। पुलिस अपनी जांच कर रही है। महाराष्ट्र के मुंबई में एक वॉचमैन की एक महिला ने पिटाई कर दी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। यह महिला महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की कार्यकर्ता है। दरअसल एक दौरे के दौरान मनसे प्रमुख राज ठाकरे को यह वॉचमैन पहचान नहीं पाया था, जिससे महिला कार्यकर्ता आग बबूला हो गई और वॉचमैन के साथ मारपीट पर उतर आई थी। उत्तराखंड में भारी बारिश के अलर्ट को देखते हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी ने आपदा प्रबंधन विभाग, पुलिस प्रशासन और सभी जिलाधिकारियों को अलर्ट पर रहने का निर्देश दिया है। उत्तराखंड की यात्रा पर आ रहे यात्रियों और यात्रा कर रहे यात्रियों को भी अलर्ट रहने को कहा गया है। मौसम के अनुसार ही यात्रा की योजना बनाने को भी कहा गया है। यात्रियों को इस अवधि में यात्रा करने से बचने की हालांकि सलाह दी गई है। हफ्ते भर में दूसरी बार कोरोना मामले एक दिन में 15,000 से कम दर्ज किए गए हैं। रविवार सुबह स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से ताजा आंकड़े जारी किए गए। मंत्रालय के अनुसार पिछले 24 घंटे में 14,146 नए कोरोना केस आए हैं और 144 कोरोना संक्रमितों की जान चली गई है। 19,788 लोग कोरोना से ठीक भी हुए हैं, यानी कि 5,786 एक्टिव केस कम हो गए हैं। भारत का कोरोना महामारी के खिलाफ टीकाकरण अभियान एक नया इतिहास बनाने से कदम दूरी पर है। भारत जल्द ही इस दिशा में 1 अरब के आंकड़े को छू लेगा। वहीं सरकार के तरफ से कहा गया है कि अब तक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 101.7 करोड़ से अधिक वैक्सीन की खुराक दी गई है। इनमें से 10.42 करोड़ खुराक अभी भी बची हुई है, अब इनका इस्तेमाल अब तक नहीं किया गया है। पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी को एक बार फिर से चिट्ठी लिखी है। एक दिन पहले ही सोनिया ने कांग्रेस नेताओं को निर्देश दिया था कि वो मीडिया से बात करने की बजाय डायरेक्ट उनसे बात करें, लेकिन 24 घंटे में ही सिद्धू ने इसका उल्लंघन कर दिया। सोनिया गांधी को लिखी चिट्ठी में सिद्धू ने सोशल मीडिया पर शेयर की है। इस 4 पेज की चिट्ठी में सिद्धू ने 13 मुद्दे को उठाया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला को नए सिरे से तैयार किया जा रहा है, जिससे भारत से सभी निवेशकों और उद्योग के हितधारकों के लिए काफी अवसर है। सीतारमण ने उद्योग मंडल फिक्की तथा अमेरिका भारत रणनीति मंच द्वारा आयोजित गोलमेज में वैश्विक उद्योग जगत के दिग्गजों और निवेशकों से कहा है कि वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला के पुनः नियोजन तथा भारत के स्पष्ट रुख अपनाने वाले नेतृत्व की वजह से सभी निवेशकों और उद्योग को हितधारकों के लिए हमारे देश में काफी अवसर है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वायु प्रदूषण का स्तर खतरनाक स्थिति में पहुंच गया है और NCR के सभी प्रमुख शहर रेड जोन में पहुंच गए हैं। प्रदूषण मापक ऐप समीर के अनुसार रविवार को गाजियाबाद का वायु गुणवत्ता सूचकांक 350, ग्रेटर नोएडा का AQI 260 दर्ज किया गया, जबकि नोएडा का स्तर 326 रहा। वायुसेना के प्रमुख एयर चीफ मार्शल VR चौधरी ने सीमा विवाद समाधान प्रस्ताव को चीन द्वारा खारिज किए जाने के बीच लद्दाख में अग्रिम स्थलों पर विमानों की तैनाती की समीक्षा की। इस महीने की शुरुआत में वायुसेना प्रमुख का पद संभालने के बाद एयर चीफ मार्शल चौधरी का ये पहला दौरा है। भारतीय रेल के रेलवे खानपान एवं पर्यटन निगम यानी कि IRCTC अपने लिए कई जगहों के शानदार टूर पैकेज को लेकर आया है। इस बार सर्दियों में आप जम्मू कश्मीर की खूबसूरत बर्फीली चोटी और मीलो पसरी लुभावनी वादियों में घूमने जा सकते हैं। इसके लिए जम्मू कटरा श्रीनगर गुलमर्ग सोनमर्ग पहलगाम श्रीनगर नाम से टूर पैकेज लॉन्च किए गए हैं। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है गजेंद्र सिंह, रघुनाथ प्रसाद,
अनिल कुमार, राजेश्वर रॉय, दीपक कुमार, पीयूष कुमार, कृष्णा दुबे, लाल भारद्वाज, गेमिंग कृष्णा, नंद कुमार, श्री कृष्णा, शकील खातून, अशोक कुमार, जलेश्वर शाह, इंडियन हेल्प चैनल अमरेंद्र कुशवाहा। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे हैं, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार अगले साल होने वाले IPL में महेंद्र सिंह धोनी को रिटेन करने का फैसला सही है या नहीं? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।